मैं सबको देखते देखते बोल लूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, एक न्यू कॉन्सेप्ट एक नए शो के साथ में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे क्या है शो, इसके बारे में बताइए। वेल थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत टाइम के बाद मेरा कोई शो ऐसा, यू नो एज एन एंकर इट्स कमिंग आउट, फर्स्ट शो मेरा है नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म पे एज अ होस्ट। बहुत कम चांसेस मिलते हैं नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक यू नो एंकर करने के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शोज फिक्शन शोज होते हैं। उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है। लव ओके प्लीज़ एक ट्रैवल बेस्ड शो है। ट्रैवल एंड लव को हमने कंबाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि व्हेन यू ट्रैवल विद समबडी, या आप अगर अकेले भी होते हैं ट्रैवल पे और आप किसी को मिलते हैं, तो आप एक कनेक्शन बनाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, हर किसी के साथ आपका एक अलग कनेक्ट होता है। बट आउट हियर आर फर्स्ट प्रायोरिटी कनेक्ट इज़ लव, कि क्या आप को प्यार हो सकता है किसी के साथ एक ऑन योर जर्नी या ट्रैवल पर। एंड आई थिंक वी बीन लकी दैट वी हैड सम रियली रियली ग्रेट पीपल टू वर्क विद, द एंटायर टीम एंड द कंटेस्टेंट्स, एंड दैट्स द शो अबाउट। हम उनको लेके गए थे, हम 8 लोगों को लेके गए थे हिमाचल, मैक्लोडगंज टू मनाली वॉज आर रोड ट्रिप, जहाँ पे वी पेयर्ड पीपल अप एंड वी टोल्ड पीपल टू स्पेंड टाइम टुगेदर, क्योंकि यू नो इन टुडेज एरा व्हेन पीपल आर नॉट बिलीविंग इन लव, या एवरीथिंग इज, आप जो टीवी पे भी देखते हैं या जो शोज भी आते हैं कि लव धोखा है, लव ये है, लव फलाना है, लव धमाका है, लव इज़ अ स्वाइप, आई थिंक वी जस्ट ट्राइंग टू लाइक चेंज अ परसेप्शन दैट लव इज़ रियल, आई एम श्योर, एंड इट जस्ट नीड्स अ लिटिल एफर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड इफ यू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी बिटवीन ईच अदर, आई थिंक इट विल रिजॉल्व और रेजोनेट इन टू लव। वी आर नॉट फोर्सिंग, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि विच वॉज द बेस्ट थिंग आई थिंक ऑफ द शो, कि हम लोग हम चाहते थे कि एज द मेकर्स और एज पीपल हु आर ऑन द शो दैट हम देखें कि हमारे 10 दिन के सफ़र में किसी को प्यार होता है नहीं होता है, बट आई एम श्योर 10 दिन बहुत कम, एक छोटा सा समय होता है। तो वी वर नेवर यू नो, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे थे कि किसी को कुछ बोल दो, आई लव यू बोल दो या ना बोलो, बट इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट जो हम देख कर कोशिश कर रहे थे, एंड आई थिंक वी सक्सीडेड इन इट बिकॉज हमने देखा कि यू नो कई लोग बहुत कंपैटिबल थे, कई लोग बिल्कुल कंपैटिबल नहीं थे, विच इज़ वेरी रियल। एंड एम एक्स प्लेयर का पहला नॉन फिक्शन प्लेटफॉर्म है, एम एक्स प्लेयर इज़ बिन देयर फॉर सो लॉन्ग, इट हैज़ अराउंड 75 million एक्टिव व्यूअर्स ऑलरेडी, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इट्स ईजिली एक्सेसिबल, और द बेस्ट थिंग इज़ आजकल बहुत लोग ऐप्स डाउनलोड इसलिए नहीं करते क्योंकि यू नो देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर अ लॉट ऑफ पीपल विच दे कांट बेयर। एम एक्स प्लेयर एज ऑफ राइट नाउ इज़ अ फ्री ऐप, इट्स अ फ्री टू डाउनलोड ऐप, यू कैन वॉच एनी थिंग फ्री, तो प्लीज़ अगर आपके पास एम एक्स प्लेयर है तो हमारा शो देखिए लव ओके प्लीज़, अगर नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए डाउनलोड। ओके, उसके अलावा यू नो अलग अलग लोकेशंस पे जाकर शूट किया, कितना मज़ा किया? बहुत मज़ा आया, क्योंकि हिमाचल जब हम सोचते हैं ना तो हम 4-5 जगहें ही हैं हिमाचल में जो हम देखते हैं, बट मैंने खुद हिमाचल की इतनी अलग अलग नई नई जगहों को देखा, उधर के कल्चर्स, उधर के फूड, उधर के यू नो स्पेशलिटी या स्पेशल रेस्टोरेंट्स कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जो हमने अमैलग्रेमेट करने की कोशिश की है शो में। यूजली क्या होता है जब आप ट्रैवल शो देखते हैं या कोई भी, आप बहुत लोग मुझे सुबह से पूछ रहे हैं कि यू नो कंपैरिजन हो रहे हैं कि हमने टीवी पे ऐसा कुछ देखा है, वो देखा है, एंड क्या अलग होगा। आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव नेवर सीन इन एनी शो इज़ कि एवरीथिंग दैट द कंटेस्टेंट्स डू इन द शो, अगर वो मैक्लोडगंज में है तो मैक्लोडगंज के हिसाब से एवरीथिंग विल बी सेटअप, अगर मनाली है तो मनाली में जो मनाली की खासियत है, अगर पालमपुर है, बीर है, कुल्लू है, तो आई थिंक विच इज़ विच ऑल्सो आई थिंक रेजोनेट्स विद द फैक्ट कि एक ट्रैवलर क्या करता है। ट्रैवलर जब एक जगह जाता है तो उस जगह के रहन सहन को कोशिश करता है टू लिव लाइक अ लोकल, एक टूरिस्ट जाता है तो 4 जगह फ़ोटो खींच के आ जाता है, तो मतलब आई थिंक ये जो हमने अमेलगमेशन किया है ये बहुत मज़ेदार था, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं या मैं आज से 10 साल बाद भी जब इस शो के बारे में सोचूंगा तो आई विल हैव अ फेवरेट प्लेस और अ फेवरेट थिंग दैट आई डिड ऑन द शो, एंड आई थिंक वही चीज़ है जो याद रह जाती है। आई थिंक
that's a recipe for a great show, at least as somebody who's worked on the show. Okay, aap special screening rakhi gayi hai, you know, the pura location bhi bahut acche se sajaya gaya hai, friends aane wale hain, to kitni excitement hai yaar, bahut excitement hai ki dost aane wale hain, kai dost nahi hai town mein, also kal holi thi to aaj sab holi ke हैंगओवर से उठ रहे हैं, या क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड हो गया है तो लोग काम कर रहे हैं या बाहर हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं आ पाएंगे, या बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि हम शूट ख़त्म करके आ जाएंगे, कोशिश यही है, तो आई होप दे कम एंड बट आई एम श्योर अगर जो नहीं आ पाएगा, जैसे मुझे ऋत्विक का मैसेज अभी आया है कि मैं MX प्लेयर डाउनलोड करके तुम्हारा शो देखूँगा, तो आई थिंक इट्स ग्रेट इवेंचुअली आई थिंक एज मेकर्स एंड एज पीपल जो शो पे काम करते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि सब लोग आपका शो देखें, आपका काम देखें, उसके बाद अच्छा लगता है बुरा लगता है दैट्स ओके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे यार देखा ही नहीं, तो आई एम एक्साइटेड, आई होप दे लाइक द शो, आई हैवंट सीन द शो, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा शो का, तो मुझे भी नहीं पता शो कैसा लग रहा है, I am also very excited and I hope it works out well. Okay, कुछ आप कभी बताना चाहेंगे? बस यार अभी फिलहाल my show is coming, Love Okay Please is releasing 25 मार्च को पहले 6 एपिसोड, 1 जैन को बाकी के 6 एपिसोड, 12 एपिसोड का शो है, प्यार के बारे में है, ट्रैवल के बारे में है, अगर आप दोनों में से किसी भी चीज़ से रेजोनेट करते हैं या नहीं करते हैं, आई एम श्योर अगर आप ये शो देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, यू लव दिस शो, यू विल एंजॉय इट, प्लीज़ वॉच इट ऑन MX प्लेयर एंड give us all the love and we'll be back with season 2. Cricket bhi world cup hai, kitna follow karte hain cricket ko aur kya karna chahenge india ke bare mein, kis tarah se dekh rahe hain? Yaar I hope we win. Cricket world cup aa raha hai, main london mein hunga, 9 june mera birthday hai, mere birthday ke din india versus australia hai, wo dekhenge, फिर 16 जून को इंडिया पाकिस्तान है, तो चांसेस कितने हैं वो देखेंगे, यार मतलब चांसेस तो मतलब मैं अगर आई होप मैं मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही होती, बट आई होप दे विन, I will not say may the best team win because I want my team to be the best team and I think we're a great team and theek hai jeetenge yaar matlab I'm sure I hope we'll win. Lastly ye puchhega bhavishyavani ki baat kya hai, to astrology aur rashi aur kundli mein kitna aapko meri ungliyan dekh ke lag raha hai main kisi cheez mein believe karta hu, fir bhi kya kehna chahenge bhavishyavani jo hoti hai ya kundli jo hota hai jo rashi hoti hai wo kitna karta hai? यार आई डोंट नो यार, मतलब क्या होता है ना, जब कोई जब अच्छी चीज़ पूछते हैं लोग, अच्छी चीज़ बताते हैं तो हम सब मान जाते हैं, कुछ गलत बताता है तो कोई नहीं मानता है, तो आई डोंट नो यार, मतलब आई डोंट आई बिलीव इन इट बट टू अ पॉइंट जहाँ तक वो ठीक है, मतलब मैं राशि और वो सुबह सुबह अखबार पढ़ के वो जो राशि फल आता है उसके हिसाब से लाइफ नहीं जीता बिकॉज आई एम श्योर जब दो लोग एक ही दिन पे पैदा होकर कितने अलग हो सकते हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच इट्स ट्रू बट जितना बिलीव कर सकते हैं उतना बिलीव कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, उसके अलावा अपनी मेहनत करो। बहुत ओके ओके, सो करण का शो आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करने आए हैं उनको, शो देखने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? सेंटर सर सेंटर बहुत खुश हैं हम, यू नो वी आर वेरी हैप्पी, यहीं देख रही हूँ सर सेंटर में ही देख रही हूँ, वी आर वेरी हैप्पी फॉर करण एंड ट्रैवल किया उसने बहुत सारा एंड ट्रैवल पे बहुत कमाल कमाल की चीज़ें होती हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं और यू नो एक नए तरीके से खुद को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं एंड देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट, यू नो ट्रैवलिंग फॉर द सेल्फ इज़ सो गुड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है खुद के लिए, सो एक ट्रैवल शो देखना और वो भी हमारे दोस्त के दोस्त उसमें है, बहुत ही मजा आने वाला है, आई एम श्योर लोग बहुत खुश हैं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, मैं बहुत जेलस हूं, मैं भी खुश नहीं हूं, डोंट वरी आई एम विद यू, क्योंकि आई हैव अ हाउस हियर एंड व्हेन ही वाज हियर मैंने उसे फ़ोन किया था, मैंने कहा घर आ जा खाना खाने, कहता हाँ हाँ शाम को आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, पहुँचा नहीं, फिर वो यहाँ पे पहुँच गया, फिर वो यहाँ पे पहुँच गया और मैं इन जगहों पे नहीं पहुँचा, तो मुझे बहुत जेलसी है, मैं बहुत नाराज़ हूँ करण भाई से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक काफ़ी देर तक मैं ट्रैवल करता था और ये सब मुझे गालियाँ देते थे, अभी ये ट्रैवल कर रहा है ऐसे मैं गालियाँ दूंगा और मैं ऑनेस्टली बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि सीजन 2 में मुझे जाना, दैट्स माय व्यू पॉइंट, सबको जाना। Listen, I can't even say that, you know, I want to
be like a good host like him, because I don't know whether I'm a good host like him, but like Raj has traveled extensively. He of course has come to the show. Riddhi, she's a fabulous host either way. So you're a host? Traveling and hosting मुझे सिर्फ ट्रैवल करना है, मुझे कोई ले जा रहा है शो पे ट्रैवल करने के लिए. ओके, मोर देन दिस लव, लव के बारे में है शो, तो आपसे ज्यादा से कि लव में कितना भी लिखते हैं. हम तीनों सिंगल हैं. तो वी आर गोइंग थ्री, सो वी आर ऑल सिंगल. सीजन टू के लिए सेलिब्रिटी राउंड होगा, सो आई एम सो टू से दैट राइट. ओके, हम सब सिंगल हैं, हम सब अपने पार्टनर ढूंढने जाएंगे. मुझे लगा था वही अकेला ट्रैवल कर रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे मैंने रामलीला बना रहा है वहाँ पे बैठ के सबके, वो सब मैंने प्रोमो में देखा. बट सिंगल सिंगल सिंगल, रेडी टू मिंगल अप इन द क्लोल्ड, इन द बीचेस, इन बिकिनीज, वॉट एवर. आई एम नॉट वेयरिंग द बिकिनी, द गर्ल्स आर वेयरिंग इट इन सीजन टू. आई विल बी डूइंग इट. व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक आपका क्वेश्चन क्या था? नॉट यू, हर. नो, आई थिंक लव में बिलीव करती हूँ. लव इज आई थिंक इन एवरी थिंग. हम यहाँ इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्यार है. सो आई दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट थिंग्स. बट डेटिंग टू ईच हिज ओन. आई मीन ऑफकोर्स यू हैव टू डेट, यू हैव टू गेट टू नो समबडी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना यू नो हाउ कैन यू एवर एवर टेस्ट द वॉटर्स. एंड जो सबसे अमेजिंग बात एक है, यू नो, विच आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो, अ लॉट ऑफ यंग पीपल, इफ यू नो इट राइट नाउ, आप प्लीज़ अपनी लाइफ पर अप्लाई कर ही लेना. इस शो देखने के बाद तो करेंगे ही. वो ये है कि आप जब किसी के साथ ट्रैवल करते हैं, आप उसको असली मायने में जानते हैं. सो यू नो अ शो विच कम्बाइंस द टू इज़ ब्रिलियंट, बिकॉज यू रियली गेट टू नो योर ट्रू सेल्फ. कोई नया पार्टनर, आई एम परफेक्टली ओके. बोल दिया मैंने भाई, मतलब की जस्ट यू नो दैट्स द वे इट शुड बी मैन. जो एक्सप्लोर नहीं किए वो फेवरेट है मेरी. तो मैंने फॉर मी आई थिंक इट्स न्यूयॉर्क सिटी. आप जहाँ पे भी हो प्लीज गो टू न्यूयॉर्क सिटी. और अगर आप हिंदुस्तान में करना चाहते, मुझे जगह बोलनी नहीं है एक्चुअली दुनिया को, बट प्लीज डू संस्कार. Okay, Zanskar is one place. Yeah, no, I don't want to because it's anyway going to become too commercial. But you've said it. But Zanskar is a place जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी. लोग स्पिति जाते हैं. Zanskar कारगिल के साथ है, तो मैंने पिछले साल किया था. और एक जो मैं by chance I must owe it to my father is a place called Tobago. जितना मैंने ट्रैवल किया है दो साल में, मुझे रियलाइज हो गया है कि पहले अच्छा लगता था बहुत सारे लोग मिलना, यू सी डिफरेंट कल्चर्स पीपल्स लाइक इन न्यूयॉर्क. बट अभी मैं ट्रैवल करता हूँ ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, दैट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. सो आई वुड से न्यूयॉर्क, टोबैगो एंड संस्कार. ओह, देयर आर सो मेनी प्लेसेस. आई हैवंट बीन टू पेरिस एंड आई वांट टू एंड आई नो आई विल लव इट. मुझे पता है मुझे वो जगह बहुत पसंद आएगी. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रेंच ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है. यू फील इटालियन? फ्रेंच. आपको क्या लगता है, आप क्या है? भाई मैं देसी पंजाबी हूँ भाई. चलो ठीक है, वो भी तो होना चाहिए. सो या दैट्स नंबर वन. एंड जापान, दीस टू आर नंबर लाइक दीस विल गो टुगेदर. वी मस्ट. जापान इज एंड पेरिस आर बोथ फ्रॉम ग्रीस. यस, एंड ग्रीस, नॉट ग्रीस सो मच, बट जापान एंड पेरिस. सो या पूजा आप ही बताओ. आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड लाइक अ टिपिकल. आई थिंक एवरीवन वांट्स टू गो टू स्विट्जरलैंड. या एंड जस्ट बी स्विट्जरलैंड, सो दैट इज वन प्लेस आई रियली वांट टू गो. आई वांट टू गो टू न्यूजीलैंड, Australia. I want to go everywhere. Everywhere that I've never gone. Jayenge, jayenge. Jayenge. Okay, lastly, Karan Dhani, show, kya kehna chahenge? Unke liye best wishes, kuch? Go. Bahut sari best wishes, Karan. Har cheez, I mean, whatever he does, wo bahut dil se karta hai. Aur we know for a fact as a friend ki kaam uske liye bahut bahut, you know, he's really passionate about everything that he does. And I'm sure he's very, very passionate about this also. Hum uske dost, you know, aaye hain usse support karne, because it's always nice to, you know, see someone who does something with so much zest and, you know, zinda dili se. So, hai na? So, isiliye, you know, so we just want to wish him luck and sab achha hi hoga. Sab first class hai. I want to wish him all the best. I think मैं पहले भी बता रही थी, it's very important for shows like this, which are out of the box, which are
first of its kind to become successful, especially jo travel ke related hota hai, because then you know people will, if this becomes successful, people will, you know, make such shows more. So yeah, I wish him all the best, not just to him, to the whole team who's behind it, and yeah, hopefully it's a lot of fun and it goes into season 2. सीजन 2 में मुझे ज़रूर लेके जाना. आई एम नॉट विशिंग यू ऑल द बेस्ट. सीजन 2 में तुझे पार्टनर नहीं मिला तो मैं तेरा पार्टनर बन के चलूँगा. तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूँगा भाई. पुरानी दोस्ती है, वी आर कम्प्लीटिंग 15 ईयर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप, तो इसी पे हम दोनों भी एक रोमांटिक भाइयों की तरह जा सकते हैं. और कुछ भी हो सकता है, तुम्हें क्या पता. मैं क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा मैं देखूंगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगा मैं देखूंगा. एंड आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम राइट नाउ इन आइदर वे. इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट नेशन. इट्स नॉट अ नेशन दैट्स बर्डन बाय ओ ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रॉन्ग है. ये आई थिंक आइदर वे वी विल सक्सीड नो मैटर व्हाट. I have very, very less knowledge of which team is better, but of course I am biased towards India, and I do believe that, you know, we're the best. सो आई डोंट फॉलो क्रिकेट, बट आई नो फॉर अ फैक्ट, आई मीन मैं एक टाइम पर फॉलो करती थी जब यू नो आप फैमिली के साथ रहते हो तब एवरी थिंग यू वॉच, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट हमारी जो अभी इंडियन टीम है वो बहुत सॉलिड है, नॉट जस्ट एज स्पोर्ट्समैन बट एज ह्यूमन बींग्स. दे आर सो सॉलिड एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट टू देयर गेम. सो यू नो यू डोंट हैव टू फॉलो द गेम टू नो कि वी हैव अ ग्रेट टीम एंड इट्स विजिबल. द उनकी जो डिटर्मिनेशन और फोकस है वो बहुत कमाल का है. सो आई एम रियली रियली रूटिंग एंड होपिंग कि यू नो दे प्ले वेल एंड एवरी डे इज देयर डे व्हेनेवर दे प्ले एंड व्हेनेवर दे डोंट ऑल्सो इट्स ओके. Lastly, one question, you know, our society is very superstitious regarding love and all these things. So, do you believe in all these kundalis and rashis when it comes to love or marriages? You know, honestly, there are two ways of looking at it. The first is, hum nahi mante. एक है कि कुछ तो सिस्टम होगा जो बीट द हिंदूज थिंग. सो अगर वो सिस्टम फॉलो करके दोनों फैमिलीज और आपके मन में खुद शांति है, गो फॉर इट. और अगर नहीं है तो देन लव विंस एनीवे. सो आई थिंक यू शुड जस्ट मेक अमेंड्स सो दैट द फैमिलीज आर हैप्पी, एंड इफ दे आर नॉट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप टू पीपल फ्रॉम लविंग ईच अदर एंड गोइंग अहेड. See, I personally believe that astrology is not only superstition. It's a deep maths, it's a deep science. It's the science of the, you know, the planets. So it's not just superstition, and ये जो कुंडली मिलवाने का system भी जो है उसके पीछे भी एक बहुत लंबा गणित है. तो of course जो believe करता है he should believe. If you don't believe in it at all, it shouldn't matter. I don't know. I mean, there are. हम बहुत जल्दी. I personally see astrology is like she said, like both of them said कि कुछ तो है उसके पीछे, science है उसके पीछे. But I feel like what astrology does is it tells you the way. But you know आप जो control कर सकते हैं, जो free will होती है वो आपके पास है, आप अपना temperament control कर सकते हैं. So you get information and knowledge, but you have the ability to change your life towards you know the best direction. So I feel that. नहीं यार और सवाल पूछ ले, कोई नहीं है, खाली बैठे हैं और सारे जवाब कर देंगे. मैं रेडी हूँ. Let's have some tea, coffee. पूछ ले कोई और सवाल. क्रिकेट हो गया, चाय पे चर्चा, एस्ट्रोलॉजी होगी, कुछ और भी पूछ ले भाई. जब तक सब आएंगे हम आपको, मैं इलेक्शन का रिजल्ट बता देता हूँ और कुछ बोल दे मोदी. बाय गाइस, मैं भी चौकीदार. बाय. सेंटर. कमाल की बात यह है, करण इज टेलिंग पीपल हाउ टू फॉल इन लव. सो वी सॉ द ट्रेलर, वी आर लाइक ओह करण, ओह व्हाट अ परफेक्ट फिट. बहुत एक्सपीरियंस है करण के पास प्यार का. मार देगा मुझे सुन लिया तो. बट द शो लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने ट्रेलर देखा, मुझे लगा क्या है ये, क्या है. एंड देन आई सॉ द ट्रेलर, हमने कहा वांट टू वॉच इट, जेन्युइनली वांट टू वॉच इट. तो करण का शो है इसलिए नहीं, बट मेरे को जेन्युइनली इतना अच्छा लगा ट्रेलर था, आई वांट टू वॉच इट. ओके, सब कुछ अगर बात करें तो आप तो प्यार कर ही चुकी हैं, लेकिन डेटिंग वगैरह अभी आजकल ऐप्स आए हैं जो बहुत सारे डेटिंग वगैरह पे के लिए, तो उन सब डेटिंग ऐप्स पर लोगों को मिलना, उन सब में कितना बिलीव करते हैं. पहले व्हाट्सएप ने प्यार को रद्दी बनाया, अब ये डेटिंग ऐप्स बना रहे हैं. ये जो दिस आई कैन स्पीक फ्रॉम माय हार्ट, आई थिंक इट्स रियली स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड. ये जो 10 सेकंड की चैटिंग वाला प्यार है आपका,
जो आपने एक राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप करके बना लिया है ये सच्चा नहीं है दोस्तों. सो गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड और अपने लिए लोग ढूंढो जिनसे आप बातें कर सकते हैं. ऐसी कोई सलाह जो देना चाहे, क्या सलाह दूँ यार, आज आप मैंने देखा लोगों को आज किसी एक ऐप पे मिलते हैं फिर उन्हीं के ऐप चेक कर रहे होते कि और किस किस को लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करना. इतनी ट्रबल लाइफ, पहले कॉम्प्लिकेशन कम है जो और कॉम्प्लिकेशन चाहिए आपको लाइफ में. जेन्युइनली यू नो आई थिंक फॉलिंग इन लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ एंड एक ऐसा पार्टनर जो आपको उड़ान भरने में मदद करे वो बहुत मुश्किल से मिलता है. और वैसे दुनिया पर काटने के लिए खड़ी है और पर काटने के लिए या बांधने के लिए लोगों को अपनी ज़िंदगी में ना लाइए, कोई ऐसा ही लेकर आइए जो आपके साथ एक उड़ान भरे. सो यू नीड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एंड जेन्युइनली वो एक लेफ्ट स्वाइप पे नहीं होने वाला. ओके, अगर हम शो की बात करें तो यू नो इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग भी है बहुत सारा, तो आप पर्सनली ट्रैवल करना कितना पसंद करते हैं और कौन सी जगह आपकी फेवरेट है? तो सूटकेस से ही ना, आई लिव आउट ऑफ अ सूटकेस गाइस. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने सूटकेस ऐसे खोला और वो 10 दिन भी अलमारी में पड़ा हो, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग. या तो मैं काम के लिए ट्रैवल कर रही होती हूँ, अगर काम के लिए नहीं कर रही होती तो मुझे लगता है कहीं जाके ट्रैवल ही कर लेती हूँ. एंड आई फील कि जैसे बंद मुट्ठी में एक दुनिया नहीं समा सकती ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर में रहते हुए लगता है कि यही यही पूरी दुनिया है, अपने सेक्टर में रहते हुए लगता है यही पूरी दुनिया है. तो ऐसे जितनी जगह में हम रह जाएंगे उतने लिमिटेड रह जाएंगे. मुझे लगता है बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए. और लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग मतलब बहुत पैसा खर्च, मुझे लगता है ट्रैवलिंग मतलब दिमाग से सोचो, दिल से सोचो तो बहुत पैसा नहीं खर्च होता. बस खुलकर जाओ, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. यू नेवर नो, आप कभी कोई नया बिजनेस आइडिया ले आओगे, आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके साथ आप जुड़ जाओगे आगे के लिए, हमेशा हमेशा के लिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो. ओके, सो लास्ट की तरफ एक शो के लिए क्या करना चाहिए? करण, इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल इन द इंडस्ट्री और उसको ये बात पता है, जिस बात का वो फ़ायदा भी उठाता है हमारे साथ. राज, इतना छुप के जाने की जरूरत नहीं. कौन सा प्राइवेट सीन चल रहे, बट ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल. तो करण कुछ भी करे मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ये तो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा तो मुझे और भी खुशी है. एंड आई होप हिम ऑल द बेस्ट इन ऑल हिज एंडेवर्स. थैंक यू. सर, लेट्स सर्गुन आल्सो कम, वी डू इट टुगेदर. आ जाएं, वो भी आ जाएं. हाँ जी. ओके ओके, सो करण आ रहे हैं एक टाइम के साथ में लव होके प्लीज. तो क्या कहना चाहेंगे करण के इस शो के लिए? देखा आपने ट्रेलर वगैरह? मैं बोल चुका बड़ी. हाँ, तो यही कहना चाहेंगे यार कि ऑल द वेरी बेस्ट टू करण. करण इज वन ऑफ आर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द टेलीविजन फ्रेटर्निटी. ही इज द मोस्ट अडोरेबल गाय दैट वी नो फ्रॉम द टेलीविजन फ्रेटर्निटी. और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा करीब है, सरविन के भी उतना ही करीब. ऑल द वेरी बेस्ट एंड लाइक वी विश हिम ऑल द बेस्ट ऑल द टाइम. मे ही डू वेरी वेरी वेल विद द शो आल्सो. ओके, जब हम सरविन से बात कर रहे थे तो हमने उनसे भी जाना कि यू नो डेटिंग ऐप्स वगैरह पे आजकल प्यार नॉर्मल हो गया है. आप लोग तो नहीं, वो प्यार नहीं, नहीं वो कितना बिलीव करते हैं डेटिंग ऐप्स वाले प्यार में. देखिए, कई दफ़ा ना कुछ भी मीडियम बन सकता है दो लोगों के मिलने के लिए. हम लोगों के मिलने के लिए एक टेलीविजन शो मीडियम बना, दो लोगों के लिए एक डेटिंग ऐप भी मीडियम बन सकती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दो लोग जो हमेशा डेटिंग ऐप पे मिलते हैं वो ज़रूरी है कि प्यार में ही पड़े. जो होता है उनके बीच में वो अक्सर प्यार नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसमें एक अच्छी रिलेशनशिप भी निकल जाती है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेट रिलेशनशिप. But most of it ends up in exploring to people, which is also not so bad. It's okay. Okay, traveling के बारे में पूछा जब हमने सर्विस से तो उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत पसंद है traveling करना. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कोई एक ऐसी जगह जहाँ आप सर्विस को लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ. अभी तक आप नहीं गए रोम. I want to visit Rome and I want Sargun also to come to Rome with me. I think apart from it being a very romantic place, it's also got a lot of history. So that's why it intrigues me a lot. मैं न्यूयॉर्क या लंदन. लंदन तो मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि हम लोग जाएं. हम दोनों को सिटी लाइफ बहुत पसंद है. सो आई थिंक वी वांट टू गो टुगेदर टू लंदन, न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया देखेंगे यार. ओके, नहीं नहीं वो आज ना गया हूँ. आज ना गया हूँ तो इसके लिए. और डेट भी काफी यूज़ कर रहे हैं
कोई नए शो के लिए क्या सोचा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट ऐसा कुछ नहीं है. सो इट्स जस्ट दिस इज द क्विकेस्ट हेयर स्टाइल दैट्स पॉसिबल आई थिंक, यू नो, जस्ट व्हेन यू कम आउट ऑफ द बाथरूम जस्ट कॉम योर हेयर. और वेट इसलिए लूज करा है बिकॉज़ जो हमारे घर पे हेल्प है वो छुट्टी पे है और मैं खाना बनाती नहीं. हां वो आप खा के देखो, उसके हाथ का खाना अपने आप हो जाएगा वेट लूज, माइंड भी लूज हो जाएगा. ओके, मतलब वो उस तरह का खाना रहता है, हेल्दी फूड आप बनाती? बहुत हेल्दी. हल्दी डाल के फूड बनाती है, हेल्दी फूड नहीं बनाती है. बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा. जब बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है. ओके, बहुत ही तारीफ की है सर ने, मैम सर ने बहुत तारीफ की और बाइट भी दी इंटरव्यू में. पहले आपको बुलाया था, तभी शुरू करेंगे ये. इसको मेरा गाना और मेरा खाना दोनों बहुत पसंद है, दोनों चीज़ों की कंसिस्टेंटली तारीफ करता ही रहता है. सब करते हैं. कोई शो में आएंगे आप खाने के शो में? नहीं यार, मैं शो बंद कराने में बिलीव नहीं करती. ये तो खाना बनाने की खाएगा कौन? बस करण बहुत बढ़िया करें, हमेशा यही हमारी इच्छा होती है अपने सभी दोस्तों के लिए. करण के लिए भी यही इच्छा है दैट यू नो आई जस्ट होप दैट ही डज एक्सट्रीमली वेल विद व्हाटएवर ही इज डूइंग. भगवान करे तुम भी ऐसे ट्रैवल करते करते एक दिन सिंगल से डबल हो जाओ. ये भाई के लिए विश है. वो बेचारा कैमरामैन सोच रहा है मैं डबल हो जाऊं ट्रैवल करते करते. उसने मैक्लोडगंज की टिकट कटा दी. कुछ भी नहीं भाई, कुछ नहीं. नहीं ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं, कुछ भी बना लिया तुमने अब ऐड कर करके वर्ड्स. थैंक यू, सी यू. सपोर्ट ना भी करें ना तो करण के जितने फैंस हैं, जितनी लड़कियां वहां पे जो मरती हैं करण पे, वो इतना सपोर्ट कर देंगे कि ये शो तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा. He doesn't need us. Yeah, yeah. अगर हम नहीं आते तो हमें लात पड़ जाती. So we are here. Okay, so this show is all about love. लेकिन उसके बाद शादी हो गई ना, फिर लव का क्या होता है? आप बताओ, आपकी शादी हो गई? फिर लव मिल जाएगा. मुझे तो लव भी नहीं मिला यार, मैं क्या बात करूं यहां पे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. ही इज द राइट कैंडिडेट. अरे ही शुड हैव बीन सेंट ऑन द शो. हां, आई शुड हैव बीन वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स. या देन यू वुड हैव फाउंड अ नाइस गर्ल. या बट भाई का भरोसा नहीं ना, वो गर्लफ्रेंड को उड़ा के ले जाता फिर. फिर थोड़े दिनों के बाद बोलता है आई एम सिंगल. हां एग्जैक्टली, सी यही भाई की बात है. आई थिंक भाई वाज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस शो, होस्ट दिस शो, क्योंकि he is going to be minding his own business and he's going to act like Cupid for everybody else. My personal thing on love is ki yaar it does exist, but meri zindagi mein kahan hai, main abhi bhi dhoond raha hu usko. So I will find it somewhere. Eligible single munda, ladkiyon sun rahi ho, bahut acha banda bhi hu. Okay, aur you should be happy हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे. अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो कमीना, अच्छा तुम कहाँ जा रही हो बदतमीज. वी जस्ट डिस्कसिंग दैट. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एवरीबॉडी लव्स ट्रैवलिंग. एक ब्रेक हो जाता है फ्रॉम योर रेगुलर डे टू डे मंडेन लाइफ. सो अभी मुझे इनसे गाली मिल रही है क्योंकि मैं थोड़े टाइम में जा रही हूँ. बट ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी एनवियबल क्योंकि आप हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत कोनों में जाते हो विद सच शोज. सो वाई इज़ वन लकी गाय. Well, sometimes I feel that maybe one of the most exciting things is, especially in respect to this show, with Love Okay Please, is that India mein itni sari khoobsurat jagahein hain. Hum usually sochte hain ki yaar hum bahar jayenge, Europe jayenge, America jayenge, Africa jayenge. Aur India ke andar andar mein itni khoobsurat jagahein hain, especially apna Himachal jo hai, bahut hi khoobsurat hai. So I'm actually very jealous of Vahi and of Aishwarya that she's also going for a holiday. Main yahan pe baith ke kaam kar raha hu, in case that main bhi follow karunga. I love travel. Like, I mean, that is probably one of the best things as a human being that you can do when you have the time, when you can afford it. नहीं यार जरूरी नहीं है, कभी कभी आप बजटेड ट्रैवलिंग भी कर सकते हो. इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस. जगहों पे पहुंचने के लिए यू डू रिक्वायर ऐसे थोड़ा बहुत कुछ तो चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा फिर कभी आप बस पकड़ लें, कभी आप ट्रेन पकड़ लें. ट्रैवलिंग इन वन वे और अनदर इट एक्चुअली जस्ट डेफिनेटली चेंजेस यू एज अ पर्सन, मेक्स यू अ बेटर पर्सन फॉर श्योर. मेक्स यू ग्रो. बहुत जरूरी. See, it may sound very pretentious, but I love New York. लेकिन India में if I have to go to a place, not many people know of it.
It's a small valley called Tenga. Tenga Valley. Arunachal Pradesh mein hai, and I've spent like a year of my life there, so Tenga I could take. How do I not know about it? Not that I'm from the Northeast, but I've not heard of this place. It's a small valley. It's 12 hours by bus from Guwahati. Okay. So aap Assam se Arunachal Pradesh. यार मेरे लिए आई अब्रॉड अगर देखें तो ग्रीस है बट इंडिया में एक तो ये जो ये जगह है यहाँ पे बीड़ आई रियली लाइक दिस प्लेस इनफैक्ट अ कपल ऑफ आर फ्रेंड्स धनजानी रजत बरमेचा अभी फिलहाल बीड़ में ही है वाई एंड आशा वर देयर लास्ट ईयर एज वेल सो ये एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जगह है जहाँ हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने कैफेज भी लगा रखे हैं एंड इट बिकम्स इट्स जस्ट वन ऑफ दोज प्लेसेज जहाँ पे अभी भी बहुत सादगी बाकी है सो या दीज आर सम ऑफ माई ब्यूटी फेवरेट प्लेस Favorite person to travel with? who's yours? In India, my father, because उन्हें India की बहुत knowledge है, and बाहर I don't think I have an option. I think I'll have to take Rohit with me. नहीं तो मुझे मार डालेगा. So Rohit. For me, it is Rajat Barmecha because we traveled because of work. हम लोग Switzerland गए थे. और कई लोगों को लगा था कि शायद हम ही एक कपल है बिकॉज हम इतनी खूबसूरत रोमांटिक जगहों पे जा रहे हैं व्हाट वर यू डूइंग चैंग आई वाज शूटिंग ऑन समथिंग ही वाज माय प्लस वन सो लोगों को लगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे बट या आई मीन एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्रैवल विद अ लॉट ऑफ पीपल बट आई हैव रियलाइज दैट विद हिम वो बंदा जिस तरह से पॉजिटिव है एंड नो नॉनसेंस है आराम से चिल करके ट्रैवल करते हैं ही वुड बी माई फेवरेट ट्रैवल पार्टनर करण भाई को हमारी विशेष की ज़रूरत नहीं है लाइक ही सेड उसके भाई फिर भी दे देते हैं चल दे देते भाई यार रख ले हमारी ऑल द बेस्ट यार दुआएं ले ले बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट द शो इज गोइंग टू इट विल थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बराबर शो है मतलब अगर इनके साथ नहीं तो फिर इसके साथ अगर इसके साथ नहीं तो इसके साथ क्यों होना चाहिए कैसे होना चाहिए क्यों किस लिए हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है लड़का है ना बड़ा ही एडजस्टिंग लड़का है और बहुत शौकीन है ट्रैवलिंग का और अच्छा जब वो ट्रैवल करता है तो उसके साथ क्या क्या हुआ है वो शायद वो सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ वो अपने कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए हमने ट्रैवल बहुत किया लेकिन ट्रैवल करते करते वो प्यार कभी प्यार कभी नहीं हुआ वो देखना प्यार हुआ तो उन्हीं के साथ ट्रैवल किया हाँ मतलब एक बार ट्रैवल किया प्यार हो गया फिर अभी तक उन्हीं के साथ ट्रैवल चल रहा है मतलब पिछले नो बट ऑनेस्टली आई थिंक वी ऑल लव ट्रैवलिंग आई एम श्योर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ट्रैवल करना यार हमने कितनी छुट्टी साथ में की हम लोगों ने एग्जैक्टली डन 20-25 हॉलीडेज टुगेदर तो साथ में यू नो दिस गाइस हैव रियली ट्राई टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट वेयर यू नो दे आर टेकिंग पीपल ऑन अ रोड ट्रिप वाओ हाउ आई विश आई कुड बी देयर आई कांट But and there you go, you fall in love. So I'm sure it's going to be an experience which is going to be of a different kind. So I wish the entire team all the very best. For me, it's been New Zealand. But now... I think I like Spain a lot. So I think I'm going to go there. We're going to get a lot of money. I've said this in my interview. कि थोड़ी गलती हो गई है कि बहुत ज़्यादा देशों में हमने ट्रैवल किया हुआ है बाहर लेकिन अब मैं डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमारे देश जैसा खूबसूरत देश और कहीं भी नहीं पूरा नया नेक्स्ट टारगेट है इस साल का ओनली पूरा हिमाचल और एग्जैक्टली दैट्स द ओनली प्लेस अभी हमेशा साथ में भगवान करे अगले सीजन में वो भी एक से दो हो जाए ओ यार
that would be a real surprise for all of us. Best surprise element of the show. It could be, you never know, yeah. But why you always been doing something different, and honestly, yeah, it's very good to see people try so hard, and wish you and your team all the very best, my friends. Thank you.